हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम आपको सीड बैंक दिखाएंगे कि जो हम अपने प्लांट से सीड्स को कलेक्ट करते हैं तो हम उनको कहाँ स्टोर करते हैं। तो वो इसी सीड बैंक में हम स्टोर करते हैं। ये एक स्वीट बॉक्स से बनाया हुआ सीड बैंक है और आप किसी भी बॉक्स में बना सकते हैं, जो भी वेस्ट मटेरियल आपके पास हो उससे बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने एक सीड बैंक बनाया हुआ है। सीड्स को हमेशा डार्क, कूल और ड्राई प्लेस पे स्टोर करें, जहाँ पे सूरज की रोशनी ना आती हो, प्लेस ठंडा रहता हो और अंधेरा रहता हो और वहाँ पे नमी ना आती हो, ऐसी जगह पे आप सीड्स को स्टोर करें। तो नेक्स्ट ईयर जब आप सीड्स को ग्रो करेंगे तो उसमें बहुत अच्छी जर्मिनेशन होगी और 100% रिज़ल्ट मिलेगा। और सीड्स को जब तक वो पूरी तरह से प्लांट पे ना पक जाएं उसको तोड़े नहीं, क्योंकि जब आप कोई भी कच्चा सीड तोड़ लेते हैं जो पका हुआ नहीं होता, तो फिर आप जब उसको नेक्स्ट ईयर ग्रो करते हैं तो वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाता। फिर आप सोचते हैं पता नहीं क्यों जर्मिनेट नहीं हुआ। तो उसकी जो मेन जो कारण होता है वो यही होता है कि या तो आपने सीड्स को कच्चा ही तोड़ लिया है, वो सही से नहीं पक पाया है, और या फिर आपने उसको सही से स्टोर नहीं किया है। तो इस तरह से ये फ्लावरिंग प्लांट है, विंटर फ्लावरिंग प्लांट है हॉली हॉक। तो इसके बहुत सारे कलर्स हैं हमारे पास, तो इस बार हमने उनको अलग अलग स्टोर किया हुआ है। और जो मिक्स हैं उसमें बहुत सारे कलर्स हैं, तो वो मिक्स हॉली हॉक हैं। तो इसे जब हम नेक्स्ट ईयर ग्रो करेंगे तो हमें पता रहेगा। ये लाइट पिंक हॉली हॉक है, इस तरह से इनके बहुत सारे कलर्स हैं। तो विंटर फ्लावरिंग प्लांट है ये पीला गुलाब आशा है, जो कि समर में बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और फ्लावरिंग भी समर में बहुत अच्छी करता है। इसकी वीडियो भी हम आपको जल्दी दिखाएंगे। ये मिक्स गुल मेहंदी है, ये एक जून में ग्रो होने वाली प्लांट है। इसको आप समर में ग्रो करने वाला प्लांट है, इसको जून में ग्रो करें गुल मेहंदी को। और ये भी हॉली हॉक है। ये ब्लू पिटूनिया है, ये भी एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। तो ज़्यादातर अभी हमारे पास इसमें विंटर के सीड्स हैं और कुछ इसमें समर के सीड्स भी हैं जो हमने लास्ट ईयर स्टोर किए हुए थे। और इसमें हॉली हॉक, क्योंकि अभी जब विंटर में हमने हॉली हॉक के सीड्स स्टोर किए थे तो इसलिए शुरू शुरू में हॉली हॉक ही है ज़्यादातर। और ये ब्लू अपराजिता है, जो कि शंख पुष्पी होती है। इसको आप फेब्रवरी से लेकर सेप्टेम्बर तक ग्रो कर सकते हैं। ये लोटस है, इसके सीड्स भी हम आपको जल्दी ही ग्रो करना बताएंगे, वीडियो देखते रहिए हमारी। और ये भी रानी हॉली हॉक है, जो मैजेंटा कलर का हॉली हॉक आता है। सबसे बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट हॉली हॉक है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है ये विंटर में, और एक ही प्लांट पे बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। ये गुलमोहर है, ये भी रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं, बहुत बड़ा ट्री बन जाता है। और ये जितनी भी वाइट बॉटल्स हैं ये सब अभी खाली हैं, हम जल्दी ही इनको भी फिल कर दें। और इस तरह से जो जितनी भी ब्लैक हैं उसमें सीड्स हैं, तो आप कांच की बॉटल में भी स्टोर कर सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स में भी स्टोर कर सकते हैं सीड्स को। ये एयर टाइट हैं। ये वाइट एंड रेड पिटूनिया है, जिस पे वाइट पे रेड शेड आता है। ये कोलियस के सीड्स हैं, अभी हमारे पास कोलियस का जो प्लांट है वो है, तो हम कटिंग से ग्रो करते हैं उसे, अभी हमें सीड्स ग्रो करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये लोटस के नए वाले सीड्स हैं जो अभी हमने इस साल बाय किए हैं। ये रोज़ के सीड्स हैं, तो रोज़ को भी आप सीड से ग्रो कर सकते हैं। वैसे तो इसकी कलम लगाई जाती है, कटिंग से ग्रो होते हैं, लेकिन सीड से भी आप रोज़ को ग्रो कर सकते हैं। जब ये सीड्स ग्रो होते हैं तो फर्स्ट ईयर में ये थोड़ी छोटी फ्लावरिंग करते हैं, जो सीड से ग्रो किए हुए प्लांट होते हैं गुलाब के, तो उसमें पहले साल उस पर छोटा फूल आता है, लेकिन धीरे धीरे उस पर बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। हमने भी सीड से ग्रो किए हैं कुछ रोज़ के प्लांट्स और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है, तो आप सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और ये आइस प्लांट है, ये भी बहुत अच्छा विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, पूरा गार्डन भर देता है। ये कलरफुल प्लांट है, मेजेंटा कलर, रानी कलर के फ्लावर्स आते हैं इस पे। ये वाइट पिटूनिया है, ये तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग करती है, लगभग 8 महीने तक ये फ्लावरिंग करती रहती है विंटर का फ्लावरिंग प्लांट होने के बावजूद। वो कपास का सीड्स थे, जिससे रुई बोलते हैं। ये पिंक गुल मेहंदी है, ये भी हम जून में ग्रो करना आपको बताएंगे, गुल मेहंदी जून में ग्रो करनी है।
और ये कालाबाजा है, ये एक औषधीय पौधा है, मेडिसिनल प्लांट है ये एक। और ये सूरजमुखी है जिसको फरवरी में ग्रो किया जाता है, पूरे विंटर फ्लावरिंग करती, समर फ्लावरिंग करती है ये। और ये हॉलीहॉक है, ये मालवा हॉलीहॉक है, ये भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, ये भी विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है। ये रेन लिली है, अब जैसे रेनी सीजन आएगा तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है इनमें, बहुत क्यूट फ्लावर्स आते हैं इस पर। ये जूही है, चमेली जिसको बोलते हैं, इस पर भी बहुत सुंदर खुशबू वाले फ्लावर्स आते हैं। ये एक तरह की श्रब है और बहुत अच्छी लगती है गार्डन में। ये डॉग फ्लावर है, ये भी एक विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग दी इसने भी हमें पूरे विंटर। ये सदाबहार जिसको विंका बोलते हैं, उसके सीड्स हैं। अगर आपके गार्डन में एक बार ये ग्रो हो जाए तो ये ख़त्म नहीं होता, इसके बहुत सारे प्लांट अपने आप ग्रो हो जाते हैं। ये भी रेन लिली थी। और ये नीले फूल हैं जिसको हमने नीले फूल से लिखा हुआ है, लेकिन ये एक बैचलर्स बटन करके फ्लावर आता है वो है ये। और ये मैक्सिकन पिटूनिया है, ये भी एक समर में फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है, इसको भी आप समर में किसी भी टाइम ग्रो कर सकते हैं, फरवरी से लेके आप इसको सितंबर तक कभी भी ग्रो कर सकते हैं। हम इसको भी ग्रो करना बताएंगे, वैसे तो ये कटिंग से भी ग्रो हो जाती है। ये थूजा है जिसको मोरपंखी बोला जाता है, कहीं कहीं इसको विद्या भी बोला जाता है। तो ये इसके सीड्स हैं और ये पालक के सीड्स हैं, तो इसको तो ज़्यादातर विंटर में ही ग्रो करते हैं। ये बैंगनी पिटूनिया है, बहुत अच्छी फ्लावरिंग की थी इसने भी विंटर में, ये भी पालक के एक और सीड्स हैं। और ये लास्ट एक और लाइट पिंक होली हो। तो इस तरह से ये हमारे सीड्स हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि बेल बटन से ही आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हम आपको डेली ही वीडियो देते रहते हैं, नई नई जानकारी देते रहते हैं डेली, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और वीडियो कैसी लगी हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और कुछ लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर आई बटन पे प्रेस करके आप क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये सीड बैंक तैयार किया हुआ है, और जल्दी ही हम समर का अलग सीड बैंक बनाएंगे और विंटर का अलग सीड बैंक बनाएंगे, लेकिन अभी इसी में ही हमने सब इकट्ठा डाले हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं। और जो सीजनल फ्रूट आते हैं उनके सीड्स भी आप ज़रूर स्टोर करें और उनको ग्रो करें, रेनी सीज़न में आप किसी भी सीड्स को ग्रो करें, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और जो ज़्यादातर फ्रूट्स आते हैं आपके घर में, उनके जितने भी सीड्स आते हों आप उनको ज़रूर ग्रो करें, ऐसे ही सिंपल पॉट में आप लगा दीजिए, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी। फर्स्ट ईयर में नहीं उसमें फ्रूटिंग होगी, लेकिन जल्दी ही उसमें फ्रूटिंग होने लगेगी। थैंक यू।